हेलो एवरीवन, एबी कूल वीलॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉब्लम पीक एलिमेंट। इस प्रॉब्लम में बेसिकली क्या है कि हमें एक एलिमेंट निकालना है जो अपने लेफ्ट और राइट दोनों से बड़ा हो, ठीक है, और हमें उसका इंडेक्स रिटर्न करना है। जैसे कि इसमें देखते हैं कि इसमें जो 3 है वो उसके राइट में तो कुछ नहीं है, लेकिन लेफ्ट वाले से वो बड़ा है तो उसका इंडेक्स 2 है, वो हमने रिटर्न कर दिया। ऐसे ही दूसरा है 4, इसका राइट में कुछ नहीं है, लेफ्ट से बड़ा है तो इसका इंडेक्स रिटर्न कर दे, जो कि 1, ठीक है। अब इसको करने के 2 तरीके हैं। पहला है कि हम एक फॉर लूप यूज़ करेंगे और उस फॉर लूप के अंदर क्या करेंगे कि हम एक एलिमेंट उठाएंगे, उसका लेफ्ट और राइट चेक करेंगे, ऐसे चलते जाएंगे जब तक हमें पीक एलिमेंट नहीं मिल जाता जिसके लेफ्ट और राइट में मतलब जो अपने लेफ्ट और राइट से बड़ा हो। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी बिग ओ ऑफ एन। तो इसको देखते हैं पहले, रहेगा आई एन टी लेफ्ट इक्वल्स टू आई माइनस 1, ठीक है। अभी आप टेंशन ना लो, ये जो बाउंड से बाहर आ रहा है हम उसका फिक्स भी करेंगे। राइट इक्वल्स टू आई प्लस 1, ठीक है, और हमारा बीच वाला एलिमेंट तो आई है जिसके आजू बाजू हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे लगा लेते हैं वही वाला, इफ आई लेफ्ट इज लेस देन 0 तो हम लेफ्ट को 0 कर देंगे, हमारा बाउंड में आ गया। दूसरा, इफ राइट इज ग्रेटर देन n-1, n-1 इसलिए कि हमारा लास्ट 0 बेस्ड इंडेक्सिंग होती है रहेगी, तो लास्ट एलिमेंट n-1 है, ठीक है। तो हम राइट इक्वल्स टू ए राइट और लेफ्ट से बड़ा है या नहीं, ठीक है। तो इफ ए आर आर ऑफ आई, जो हमारा करंट एलिमेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू क्यों लगाया है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास एक एरे जिसमें सारे एलिमेंट्स बराबर हैं तो एक ही सारे ही एलिमेंट पीक एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है। आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए आर आर ऑफ लेफ्ट, अपने लेफ्ट और राइट दोनों से बड़ा है, देन वी विल रिटर्न, हमें बेसिकली उसका इंडेक्स रिटर्न करना है जो कि है आई, तो आई रिटर्न करेंगे, ठीक है। और ये हमारा ख़त्म हो गया फॉर लूप। अगली वैल्यू चेक करने के लिए तो ऊपर लूप लगा ही हुआ है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है कि अगर इसके अंदर पीक एलिमेंट, हाँ, अभी हमें इसकी कंडीशन को फुलफिल करनी है क्योंकि लूप के अंदर है, तो हमें कुछ ना कुछ तो रिटर्न करना ही है, ठीक है। और इसमें बोला भी हुआ है कि अगर कोई पीक एलिमेंट नहीं मिलता तो 0 भेजो, तो हमने 0 डाल दिया। अभी इसको चेक करते हैं, ठीक है, आउटपुट आ गया। अब इसको सबमिट मारते हैं, ठीक है, हमारा ही हो गया। लेकिन इसकी कम्प्लेक्सिटी आएगी बिग ओ ऑफ एन, क्योंकि हम इसमें एन का लूप चला रहे हैं। अब हम इससे बेटर कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम डिवाइड एंड कॉन्कर लगाएंगे, ठीक है। तो हिंट है के लिए मैं बता सकता हूँ कि इसमें हम बाइनरी सर्च जैसा कुछ लगाएंगे। जैसे बाइनरी सर्च में हम मतलब आधा आधा करके चलते हैं एरे को, वही सीन हम करेंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे कि हम मिडल से शुरू करेंगे, मिडल का आजू बाजू देखेंगे, अगर उसके आजू बाजू से वो बड़ा है तो वही हमारा उसका इंडेक्स रिटर्न कर देंगे, हमारा पीक एलिमेंट है। नहीं तो अगर उसकी लेफ्ट साइड वाला नंबर उससे बड़ा है तो हम लेफ्ट वाली एरे चेक करेंगे, अगर उसकी राइट साइड वाला नंबर बड़ा है तो हम उसकी राइट साइड वाली सब एरे चेक करेंगे, ठीक है। तो अभी हम ले लेते हैं आई एन टी लेफ्ट इक्वल्स टू, अभी हम ले लेते हैं, हाँ हमने शुरुआत करनी है तो स्टार्टिंग में तो मतलब हम जो है यहाँ मतलब मिडल से पहले हमें पूरे भी चलाना है ना, तो कहाँ से कहाँ तक चलाना है, लेफ्ट हमारा ये है, राइट हमारा ये है, ठीक है। तो लेफ्ट हमारा 0, राइट हमारा हो जाएगा एरे का एंड n-1,
और मिडल हो गया हमारा, मिडल को भी जीरो रखते हैं। ठीक है, अभी जब तक y left is less than equals to right, ठीक है, ये हमारा इसके पूरे के ऊपर चलाने के लिए। अब हमारा आ जाएगा बाइनरी अपना डिवाइड एंड कॉन्कर। तो अभी हमारा मिडल, अभी हम मिडल निकालने हम करते हैं फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट डिवाइड बाय टू। लेकिन अभी क्या होगा, ये है इंटीजर तो इसके बाउंड से बाहर जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके इंटीजर वैल्यूज़ की एक लिमिट होती है जहाँ तक आप वैल्यू डाल सकते हो, तो उसके बाउंड से बाहर ना जाए तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट बाय टू। इससे हमारा ये जो राइट माइनस लेफ्ट किया है इसका कोई एक्स्ट्रा पर्पज़ नहीं है, बस बाउंड्स के अंदर रखने के लिए हमने उसको ले लिया है। ठीक है, अभी हमारा लॉजिक चलेगा। लॉजिक चलेगा कि इफ़ हमारा जो ए आर आर है मिडल इज ग्रेटर देन ए आर आर ओ मिडल माइनस वन। ठीक है, अब हमारा जो मिडल वाला एलिमेंट है ये अपने लेफ्ट से बड़ा है। और हाँ, इसमें इक्वल टू भी लगाएंगे क्योंकि जैसे पहले ही मैंने बताया था कि अगर हमारे एरे में सारी सेम एलिमेंट हैं तो उसके लिए हमें इक्वल टू का केस लगाना पड़ता है। एंड एरे ऑफ मिडल इज ग्रेटर देन एरे ऑफ मिडल प्लस वन। ठीक है, तो ये क्या चेक करेगा कि ये जो टू है ये अपने राइट साइड से भी बड़ा है। ठीक है, अभी इसके अंदर क्या हो सकता है, इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर एक इशू हो सकता है लूप के अंदर कि हमारा जो मिडल माइनस वन है, ठीक है, तो मिडल माइनस वन जो है वो आउट ऑफ बाउंड जा सकता है पहली बार के लिए। जैसे हमारा मान लो कि अगर हमारा एक ही है एलिमेंट या ठीक है लिस्ट के अंदर, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे ही हम बैठे हैं, तो मिडल माइनस वन आउट ऑफ बाउंड जा सकता है। जैसे यहाँ पे गया था आई माइनस वन, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए हम चेक कर लेते हैं इफ़ मिडल इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि अगर मिडल ज़ीरो है यानी हमारा पहला एलिमेंट ही जो है वो हमारा क्या कहते हैं, हमारा जो मिडल इक्वल टू ज़ीरो मतलब पहले ही साइड पे हमारा जो है वो फर्स्ट, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वही पीक एलिमेंट है। ठीक है, तो उसके लेफ्ट साइड में तो कुछ होगा नहीं, तो ये हमें लेफ्ट साइड वाला चेक नहीं करना। ठीक है, दूसरा केस क्या हो सकता है कि हमारा मिडल जो है वो लास्ट में पड़ा है तो उसके राइट साइड में कुछ है नहीं। ठीक है, तो उसके लिए भी हमारा ये आउट ऑफ बाउंड जा सकता है ये वाला। ठीक है, पहले इसको हम ब्रैकेट्स में डाल लेते हैं, ये एक साथ ही चेक होगा। ठीक है, तो अगर मान लो कि वो लास्ट में है तो वहाँ पे भी आउट ऑफ बाउंड जा सकता है मिडल प्लस वन, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इफ मिडल इक्वल्स टू, ये हमारा हो जाएगा एन माइनस वन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हमारा सिर्फ इसका लेफ्ट साइड चेक होगा यहाँ से और इसका राइट साइड चेक नहीं होगा क्योंकि एन माइनस वन यहाँ चेक हो जाएगा तो ये अगले वाला नहीं चलेगा। ठीक है, इसका मतलब इसमें हमारे तीन बेसिकली इसमें हमारे क्या कहते हैं ये चेक हो गए, लास्ट वाला, फर्स्ट वाला, और अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे हमें मिल गया तो हमें रिटर्न करना है। ठीक है, रिटर्न हमें करना है मिडल, नहीं तो फिर इसके बाद दूसरा केस क्या बनेगा। अभी दूसरा केस बनेगा कि हमारा मिडल जो है वो फर्स्ट एलिमेंट नहीं है। ठीक है, मिडल इज़ ग्रेटर देन जीरो। और अभी हमें चेक करना है कि मतलब मैंने कहा था ना कि अगर मतलब अगर वो मिडल में नहीं मिलता है तो फर्स्ट हाफ में मिलेगा, सेकंड राइट लेफ्ट सब एरे मिलेगा राइट सब एरे में, तो हम पहला लगा लेते हैं चेक लेफ्ट सब एरे का। ठीक है, मिडल इज लेस देन ए आर आर ऑफ मिडल माइनस वन। ठीक
है, इसका मतलब हमारे लेफ्ट सब एरे में हमें मिल रहा है। अगर ऐसा है तो फिर हमारा जो राइट है, बेसिकली राइट लास्ट में पड़ा है अभी, तो हमें इसके पिछले वाले सब एरे में चेक करना है, तो राइट को पिछले वाले मतलब लेफ्ट साइड के सब एरे मूव कर देंगे। राइट इक्वल टू मिडल माइनस वन, ठीक है। मिडल माइनस वन मतलब लेफ्ट सब एरे में हमने राइट को मूव कर दिया, वो सब एरे के अंदर चेक कर लें, ठीक है। नहीं तो फिर दूसरा केस होगा, दूसरा केस है कि हमें लेफ्ट सब एरे में नहीं मिला तो राइट सब एरे में मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट को मतलब राइट सब एरे चेक करना है, तो लेफ्ट हमारा जो है वो जीरो पे है बेसिकली स्टार्टिंग में, तो हम उसको राइट सब एरे में मूव कर देंगे, तो हो जाएगा मिडल प्लस वन राइट सब एरे में, ठीक है। तो ये मूव कर देंगे, अब इसमें मैंने गड़बड़ कर दी। यहाँ पे हमें बेसिकली कुछ नहीं करना, हम इसको ब्रेक कर देंगे क्योंकि हमें यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और हो सकती है इसमें, जैसे पिछले क्वेश्चन में एक से ज़्यादा पीक एलिमेंट थे तो इसमें भी हो सकते हैं। तो अगर आपको पीक एलिमेंट्स प्रिंट कराने हैं या स्टोर कराने हैं तो आप यहाँ करा सकते हो, ठीक है, प्रिंट। तो अभी क्या करेंगे, हमने यहाँ पे मिडल सेट कर दिया है, तो मिडल सेट करने के बाद हमने क्या करना है, मिडल रिटर्न करना है। और हमारा ये मेथड कहाँ, यहाँ पे है ना, तो हम यहाँ से रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा हो गया, तो इसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लेफ्ट राइट और मिडल ले लिया, फिर लेफ्ट लेस देन राइट मतलब एक बार जो लूप, पहले जो फॉर लूप चल रहा था वो हमने लेफ्ट और राइट से चलाया है यहाँ पे, उसके बाद हमने मिडल निकाला, ये लेफ्ट राइट माइनस लेफ्ट किया था ताकि बाउंड से बाहर ना जाए, और पहले चेक किया कि जो मिडल है बेसिकली वो ग्रेटर देन इक्वल टू है उससे पिछले वाले से, और ये तब चेक करें, और उसके साथ दूसरा चेक किया था जो मिडल है वो उससे अगले वाले से बड़ा है, और ये वाला जो ज़ीरो डाला है बेसिकली ये ज़ीरो इसलिए डाला है कि मिडल माइनस वन अगर आउट ऑफ बाउंड जाता है उसको चेक करने के लिए, और ये मिडल इक्वल्स टू एन प्लस वन इसलिए सॉरी एन माइनस वन इसलिए डाला है ताकि वो अगर आउट ऑफ बाउंड जाता है राइट साइड में तो उसको काबू करने के लिए, ठीक है। और ये वाला जो है हमारा बेसिकली लॉजिक है कि अगर मिडल ज़ीरो से बड़ा है तो मतलब हम चेक करेंगे लेफ्ट सब एरे में या राइट सब एरे में मिडल चेक करेंगे, तो ये है हमारा लेफ्ट सब एरे में जाने के लिए, और एल्स पोर्शन है हमारा राइट सब एरे में जाने के लिए, ठीक है। अब इसको कंपाइल करके रन करते हैं, अब इसको सबमिट करते हैं, ठीक है। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इसमें है हमारी बिग ओ ऑफ एन कम्प्लेक्सिटी आ रही थी, ठीक है, और इसमें क्या होगा, इसमें क्योंकि डिवाइड एंड कॉन्कर है तो हम पूरे एरे पे नहीं चल रहे हैं, तो जैसे मतलब पहले मिडल में नहीं मिला तो हमें पता चल जाएगा, हमें लेफ़्ट साइड की बची हुई आधी में ही चेक करना है फिर उसका हाफ होता जाएगा, नहीं तो राइट साइड की बची आधी में चेक करना उसका हाफ होता जाएगा, तो मतलब हर बार आधा आधा होता जा रहा है रिसर्च करने के लिए, ठीक है। तो कम्प्लेक्सिटी हमारी बन जाएगी लॉग एन, उस वजह से जैसे हमारी बाइनरी सर्च में होती है, ठीक है। तो ये है इसका सोल्यूशन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं और ऐसी ही वीडियोस लेकर आता रहूँगा।